ट्रिपल न्यूज, मैं हूं विमल राय। आइए जानते हैं आज शहर की प्रमुख खबरों की। फुलेरा दूज आज कोरवेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा सुनने आ सकते हैं 1 से 2 लाख श्रद्धालु। फुलेरा दूज पर कोरवेश्वर धाम पर होने वाली शिव पुराण की कथा सुनने आने वालों की श्रद्धालुओं की संख्या 1 से 2 लाख बताई जाने के बाद से प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस व प्रशासन का मानना है कि रुद्राक्ष महोत्सव के पहले दिन जिस तरह 4 लेन पर जाम लगा था, वैसी स्थिति पुनरावृत्ति दोबारा न हो, इसके लिए 4 लेन पर किसी भी सूरत में वाहनों की पार्किंग नहीं करने का निर्णय लिया गया है। यदि यहां पर लोगों ने वाहनों को खड़ा किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह बड़ी संख्या में लोगों के यहां पहुंचने की संभावना को देखते हुए 3 पंडाल और बनाए जा रहे हैं। इनमें करीब 25,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था रहेगी। इधर चिताबले हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर एवं कोरवेश्वर महादेव मंदिर में चल रहे आयोजन के 3रे दिन भी बाहर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सीहोर पहुंचते रहे। गुरुवार को भी यहाँ पर सुबह 7 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो गया था। हर रोज बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हालांकि कुछ लोग यहां से कथा श्रवण करके वापस भी जा रहे हैं। रुद्राक्ष महोत्सव के पहले दिन जिस तरह से जाम लगा था उसे देखते इस बार पुलिस सख्ती कर रही है। 4 लेन पर वाहन पार्क नहीं करने का करवाया जा रहा है। पुलिस के मना करने के बाद भी 4 लेन पर वाहन खड़े किए गए तो उसे क्रेन से उठवा दिया जाएगा। हमारी और भी खबर देखने के लिए आप हमें YouTube पर ज्वाइन करें, साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आए बेल आइकन को दबाएं ताकि हर तरोताजा खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही, आप देखते रहिए सीहोर लाइव 24 न्यूज। नमस्कार।